इस रिश्ते को यूं ही बनाए रखना, दिल में यादों के चिराग जलाए रखना। बहुत सारा सफर रहा 2018 का, बस ऐसा ही साथ 2019 में भी बनाए रखना। जी हाँ दोस्तों, नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज हो चुकी है 1 जनवरी 2019, तो हम प्रार्थना करते हैं कि आपके लिए नया साल मंगलमय हो। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है वे बड़ी खबरें जो आज निकल कर आ रही है, जो आपके लिए काम की हो सकती है। पहले ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है, प्रधानमंत्री आवास योजना 2020 से पहले 1 करोड़ घर देने की तैयारी में मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय ने वर्ष 2018 में कई योजनाओं की शुरुआत की थी। इसी क्रम में अब 1 करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी देने की तैयारी है। यह घर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के तहत बनाए जाएंगे, ताकि 2022 तक सबके लिए घर कार्यक्रम को पूरा किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2020 से पहले 1 करोड़ घरों के निर्माण को मंजूरी देने की योजना बनाई गई है। अगली खबर निकल कर आ रही है, आपके पास नहीं है कोई डॉक्यूमेंट, फिर भी बनवा सकते हैं अपना आधार। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आधार कार्ड को बनवाने के लिए आपके पास राशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट की जरूरत होती थी, लेकिन अब यह जरूरत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। आप बिना डॉक्यूमेंट के भी आधार कार्ड कोई डॉक्यूमेंट बनवा नहीं सकते होने हैं। की स्थिति में आपके परिवार के सदस्य आपकी मदद कर सकते हैं। इसके लिए यह जरूरी है कि आपके परिवार के मुखिया का आधार बना हुआ हो। अगर ऐसा होगा तो वह परिवार के छूटे हुए सदस्य का आधार बनवाने में मददगार हो सकते हैं। वह परिवार के सदस्य का एनरोलमेंट करवा सकते हैं। इसमें UIDAI केंद्र आपका परिवार के मुखिया से रिलेशनशिप के दस्तावेज मांग सकता है। अगली खबर है, यह है साल 2018 की टॉप माइलेज बाइक, प्रति किलोमीटर पर 1 रुपए आता है खर्च। अगर दोस्तों बात बेस्ट माइलेज बाइक की करें, तो इसमें 4 बाइकों ने एंट्री मारी है, जो साल 2018 में ज्यादा ही लोगों को पसंद आई है। जिसमें पहली बाइक है बजाज प्लेटिना 110, जो कीमत है 47,000 रुपए। कंपनी की जानकारी के अनुसार यह 80 की एवरेज देती है। दूसरी बाइक है TVS रेडॉन, जो 48,000 रुपये में आती है और जो लगभग 69 किलोमीटर का माइलेज देती है। और इसके बाद है सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट, जिसकी कीमत है 68,000 रुपये और जो 53 किलोमीटर प्रति लीटर का एवरेज देती है। इसके बाद है हीरो डेस्टिनी 125, जिसकी कीमत है 54,000 रुपये और जो लगभग 51 किलोमीटर का माइलेज देती है। अगली खबर, मात्र 145 रुपये रोज देकर घर लाए टाटा की यह दमदार कार। जी हाँ दोस्तों, टाटा मोटर्स के लिए साल 2018 काफी अच्छा रहा। इस साल टियागो कार की दमदार बिक्री देखी गई। टाटा टियागो की बिक्री के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि यह कार लगातार बाजार में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। 3,40,000 रुपये है कार की कीमत। अगर आप टाटा टियागो खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आप रोजाना महज 145 रुपये देने होंगे और कार आपकी हो जाएगी। इस कार की दिल्ली के एक शोरूम की कीमत 3,40,000 रुपये है। इसे खरीदने के लिए आपको 20% रकम जो है अदा करनी होगी, जो कि 68,000 रुपये होगी, और इसके बाद में आपको 2,72,000 रुपये अदा करने होंगे। इस पर आपको 9 से 13% इंटरेस्ट देना होगा, और अगर आप 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए कैलकुलेट करें, तो रोजाना का 145 रुपये आपको अदा करना होगा। अगली खबर है, नए साल का तोहफा, 1 जनवरी से गैस सिलेंडर हुआ सस्ता। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट में LPG की कीमत कम होने और डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत होने के कारण LPG सिलेंडर सस्ता हो गया है। दिल्ली में गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में 120.50 रुपये की कमी देखने को मिली, जबकि सब्सिडी वाले सिलेंडर में 5.91 रुपये सस्ता हो गया। यह कीमत 1 जनवरी 2019 से लागू हो गई। आज का प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? आपको नीचे कमेंट करके जवाब देना है और वीडियो को लाइक करना है। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको मुख्य समाचार की सारी खबरें मिल गई होगी, और इसी तरह की काम की खबरों की अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल के आइकन को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद।